कर लो. सो फर्स्ट क्वेश्चन विल बी टू फाइंड द मीन एंड वेरियंस ऑफ एक्स. सेकंड क्वेश्चन, स्टैंडर्डाइज एक्स एंड चेक दैट मीन एंड वेरियंस आर 0 एंड 1 रिस्पेक्टिवली. थर्ड, कैलक्यूलेट स्क्यूनेस इन कर्टोसिस ऑफ एक्स. ठीक है, तो ये करके करते हैं. ट्राई करो पहले खुद से करने का. मीन कैसे निकालेंगे पूरा टोटल करके, क्योंकि ये डिस्क्रीट वैल्यूज ऑफ एक्स है. ठीक है, तो उसका टोटल करके डिवाइड बाय एन. यहां पे प्रोबेबिलिटीज नहीं है ना, या यू जस्ट हैव एक्स. अगर प्रोबेबिलिटीज तुम लोगे भी तो तुम्हारा 1/15, 1/15, 1/15, 1/15 हो जाएगा. तो एक्स इनटू प्रोबेबिलिटी एफ एक्स, तो 1/ सबका 1/15 कॉमन आ गया. सेम थिंग है, सेम. क्या आ रहा है टोटल? ट्वेल्व पॉइंट माइनस में आ रहा है आंसर. जीरो कितना आएगा? जो आ रहे नंबर्स को स्ट्रेट अवे डिवाइड करके बताओ, क्योंकि ऐसे 3 डेसिमल्स तक लेके 15 से डिवाइड करोगे तो एग्जैक्ट आंसर हो सकता नहीं मिले, बट ठीक है. कितना आ रहा है? यारे देख लो. वेरियंस कैसे निकालेंगे इस केस में? वेरियंस हो जाएगा समेशन एक्स स्क्वायर है ना, माइनस मीन का होल स्क्वायर. करो मतलब जैसे देखो क्या करते हो. मैंने क्या फॉर्म मतलब ये फर्स्ट फॉर्मूला हमने सीखा था. फिर मैंने क्या बोला था, एक्स मतलब पूरा अगर लिखे एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर बाय एन है ना. तो अगर इसको हम लोग पूरा तोड़े सो दिस बिकम्स एक्स स्क्वायर माइनस 2x एक्स बार प्लस एक्स बार का होल स्क्वायर. ये चीज हमने किया है बहुत बारी, बट ऐसा रहेगा.
अब अगर हम लोग ये वाला पार्ट, एक्स स्क्वायर बाय एन वाला पार्ट है, अगर आप ये वाला पार्ट देखोगे, ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, एक्स बाय एन इज वॉट, समेशन एक्स बाय एन इज एक्स बार, तो ये हो गया आपका माइनस 2x² प्लस x² विच गिव्स यू माइनस दिस ओनली, है ना. वी हैव डन दिस काइंड ऑफ, आपको देखना है कहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज आएगा. हाँ, स्क्वायर करके ऐड करते जाओ, तुम ये यूज करियो ना कैलकुलेटर, इसीलिए. ठीक है, तो इसका वेरिएंस का, ठीक है, आई विल गिव यू द आंसर, एक बार बाकी लोगों को निकालने दो. इसका आंसर आएगा वेरिएंस का 6.762, एक बार वेरीफाई कर लेना घर पे, ठीक है. एक्सेल पे भी यू कैन डू दिस, मतलब ऑब्वियसली एग्जाम में यू कैन नॉट, बट अभी के लिए यू कैन डू एक बार. अब ये हो गया, अब इन्होंने बोला है स्टैंडर्डाइज्ड वैल्यूज ऑफ एक्स निकालना. स्टैंडर्डाइज्ड वैल्यूज ऑफ एक्स कैसे निकालते हैं, एक्स माइनस म्यू बाय सिग्मा इज स्टैंडर्डाइजिंग, याद है मैंने स्टैंडर्डाइजेशन सिखाया था. तो सारे वैल्यूज को इंडिविजुअली माइनस न्यू से करो एंड डिवाइडेड बाय वेरियंस करके वैल्यूज निकालो. चलो करेक्ट, वेरिएंस से नहीं डिवाइड करेंगे. इसका स्टैंडर्ड डिविएशन क्या आ रहा है, इसका क्यूब रूट बताओ, स्क्वायर रूट, सॉरी 2.6.
ठीक है। अब जब हम इन सबका ऐड करेंगे, एक बार सबको ऐड करो, देखो क्या आएगा। ऑब्वियसली क्या आना चाहिए, जीरो आना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपने क्या किया, आपने स्टैंडर्डाइज किया एक्स माइनस म्यू बाय सिग्मा, ये लिया आपने। अब आप इन सबको ऐड करोगे एंड डिवाइडेड बाय एन करोगे टू कैलकुलेट द मीन। तो जब आप इन सबको ऐड करोगे, तो लेट्स सपोज यू आर जस्ट एडिंग ऑल द वैल्यूज, ठीक है। सो इट बिकम्स दिस बाहर में ऐसे, है ना, एंड डिवाइडेड बाय एन कर रहे हैं हम लोग। तो ये जो पार्ट है, ये आपका मीन हो गया ना, जीरो हो जाएगा। मीन माइनस मीन आपका जीरो हो जाएगा। तो हो, एंड लेट्स सपोज अगर मैं इसको दोबारा से और बड़ा बड़ा करके दिखाऊं, ये क्या होगा, वन माई सिग्मा, ये वाला पार्ट हो जाएगा आपका, एन से डिवाइडेड है ना, म्यू म्यू ही हो गया, समेशन एक्स बाय एन माइनस समेशन म्यू बाय एन। समेशन म्यू इज एन म्यू, मतलब यू आर समिंग म्यू 15 टाइम्स, तो म्यू प्लस म्यू प्लस म्यू, एन एन कैंसिल, ये आपका हो गया म्यू। तो ये पूरा कैंसिल होके, ये पूरा कैंसिल होके जीरो हो गया। एंड स्टैंडर्ड डिविएशन क्या हो जाएगा, एंड स्टैंडर्ड डिविएशन क्या हो जाएगा बताओ, हमने किया है व्हेन यू स्टैंडर्डाइज एक्स एंड यू कैलकुलेट इट्स मीन एंड वेरियंस, तो क्या होगा, वन। इसको निकाल लो ना, यू हैव टू ऑल्सो प्रूव इट। तो इसको निकाल लो, क्योंकि देखो आप इसी का वेरियंस निकाल रहे हो, किसका, एक्स माइनस म्यू बाय सिग्मा का। आप जब स्टैंडर्ड डिविएशन निकाल रहे हो, तो कैसे निकलेगा ये, लेट्स सपोज वेरियंस निकालते हैं, तो वेरियंस ऑफ एक्स बाय सिग्मा स्क्वायर माइनस जीरो, है ना, यही होता है। और वेरियंस ऑफ एक्स इज सिग्मा स्क्वायर बाय सिग्मा स्क्वायर, वन आएगा। तो वेरियंस अगर वन आ रहा है, स्टैंडर्ड डिविएशन भी वन आएगा। तो इसका आप लोग जब, इसका मतलब तुम क्या किया, तुमने एक्स माइनस म्यू बाय सिग्मा किया है ना, यही स्टैंडर्डाइज किया है तुमने। अब इसका तुम वेरियंस ले रहे हो, तो क्या होगा, अभी तो मैंने दिखाया था वेरियंस ऑफ एक्स माइनस म्यू क्या होता है, वेरियंस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस जीरो, एंड एनीथिंग मल्टीप्लाई डिवाइड होते तो वो स्क्वायर होके आता है। तो वेरियंस ऑफ एक्स बाय सिग्मा स्क्वायर हो जाएगा ये, है ना, वन हो गया। ठीक है, सो दिस विल गिव यू, द स्टैंडर्ड डिविएशन इज गिविंग यू वन एंड मीन इज गिविंग यू जीरो। तो ये हम लोग का प्रूव हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कर्टोसिस एंड स्क्यूनेस निकालना। कर्टोसिस का क्या होता है फॉर्मूला, कर्टोसिस का फॉर्मूला होता है, अगर मैं समेशन के टर्म्स में लूं, एक्स माइनस म्यू बाय सिग्मा का होल टू दी पावर फोर। अगर आप समेशन के फॉर्म में, अगर आप एक्सपेक्टेशन ले रहे थे, तो मैंने जो लिखा था एक्सपेक्टेशन करके, तो ये होगा होल टू दी पावर फोर, दिस इज फॉर, एंड स्क्यूनेस का ये होगा और कर्टोसिस का। तो ये हमने ऑलरेडी स्टैंडर्डाइज किया, इसका खाली आपको क्या करना है, क्यूब निकालना है और फोर, ऑर्डर फोर निकालना है। तो आपका वो क्या आ जाएगा, डिवाइड बाय एन करने से क्या आ जाएगा आपका, स्क्यूनेस एंड कर्टोसिस। आई विल गिव यू द आंसर्स इसका। हाँ क्योंकि देखो ना, मैंने क्या लिखाया था इसका फॉर्मूला, एक्सपेक्टेशन था ना, मैंने समेशन लिया है, तो समेशन में वो डिवाइड बाय एन आ जाएगा ना। मतलब जब आप इसको एक्सपेक्ट, ये ऊपर वाला पार्ट है वन बाय, इसको आप बाहर ले लो, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स माइनस म्यू का होल टू द पावर फोर बाय एन ना,
क्योंकि आप एक्सपेक्टेशन के बदले क्या ले रहे हो, तो इट इज इन शॉर्ट व्हाट वी आर डूइंग, समेशन एक्स माइनस म्यू सिग्मा दिस एंटायर थिंग टू द पावर 4। है ना, डिवाइडेड बाय एन, लिख लो इसको वहां जाके, इसको भी। ठीक है, तो ये हमने स्टैंडर्डाइज करके ऑलरेडी निकाल लिया है, उसका हमें क्यूब करना है, टू दी पावर 4 करना है एंड सम लेके एन करना है, डिवाइड। आई विल गिव यू द सॉल्यूशन आल्सो, वेट। ये इस टाइप का डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा, बट ये हमने किया है तो समझने के लिए, क्योंकि अदरवाइज तुम लोग अगर एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं करोगे ना, सो समझ में नहीं आएगा, तो वो चीज नहीं करना है मेरे को, इसीलिए जस्ट टू एक्सप्लेन यू गाइज। ठीक है, आई जस्ट गिव यू द आंसर्स। एक बार बस मैच कर लेना, ठीक है। देखो एक बार एक काम करो, खाली इन सबको ऐड करो यहां तक, बेसिकली इसको पूरे को ऐड करो, ये आपका वो है ना स्क्यूनेस, मतलब ये आपका एक्स माइनस न्यू बाय सिग्मा का होल क्यूब है, एक बार करो इसको ऐड क्विकली। क्विकली या शार्ट करके बताओ। ठीक डिवाइड बाय 15 करो। वही आ रहे हैं, देख लो आंसर मैच हो रहे हैं, मीन। सो दिस इज नथिंग बट योर स्क्यूनेस एंड दिस इज योर कर्टोसिस। तो क्लियर हुआ कैसे निकालते हैं, फॉर्मूला तुम लोगों ने अपडेट कर लिया वहां पे, अगर आप समेशन लोगे तो वैसे और सिग्मा लोगे थे, क्लियर। तो ये हम लोगों को करना था, नेक्स्ट एक और लास्ट क्वेश्चन करते हैं सॉल्व। ये डेटा कॉपी कर लो, ये तुम लोग घर पे कर लेना। इसका तुम लोगों को मीन वेरिएंस निकालना है,
ग्रैंड स्टैंडर्ड डिविएशन निकालना है। स्क्यूड है कि नहीं बताना है, स्क्यूड है कि नहीं कैसे पता चलेगा? अगर जीरो है तो सिमेट्रिक, हाँ, कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। कर्टोसिस, मीडियन, एक सेकेंड। हाँ, यहाँ पे कर्टोसिस देखो क्या आ रहा है, 2.773 आ रहा है। इसका मैं इंटरप्रिटेशन बताऊंगी, पहले ये कर लो। I'll give you. ऐसे, I mean, दो तीन क्वेश्चन इज इनफ, उससे ज्यादा इट्स नॉट रिक्वायर्ड। नहीं, वो समझ आ जाएगा तुमको। यहाँ पे जैसे रिटर्न ऑफ प्रोबेबिलिटी है, तो यहाँ तुमको प्रोबेबिलिटी, जैसे ये 6% का मतलब है 0.06, 0.09, इसका ये मीनिंग है। तो तुम क्या करोगी, मीन के लिए समेशन एक्स मल्टीप्लाई कर कर करके यू विल गेट द आंसर, डोंट हैव टू डिवाइड एनीथिंग। सिमिलरली वेरिएंस के लिए यू हैव गॉट द मीन, तो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर निकालना है, विच इज इसका स्क्वायर इंटू प्रोबेबिलिटी, दैट थिंग माइनस मीन का स्क्वायर, ठीक है? उसका स्क्वायर रूट लेके स्टैंडर्ड डिविएशन आ जाएगा। स्क्यूनेस के लिए अगेन यूज द फॉर्मूला विच आई गेव यू अर्लियर, विच इज दिस, ठीक है? तो ये हम लोग का वेरियंस आ चुका है, 2 to the power 3 करना है। एक्स माइनस म्यू का होल क्यूब इंटू उसका प्रोबेबिलिटी, हाँ, सॉरी, स्टैंडर्ड डिविएशन। ये क्या हो जाएगा, समेशन ऑफ एक्स माइनस म्यू होल क्यूब बाय इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स, क्योंकि एक्सपेक्टेशन लिखा हुआ है ना, इसीलिए, ठीक है? तो ये चीजें आई थिंक यू ऑल कैन डू नाउ, ऐसा कुछ बहुत वो नहीं है। सो ये कर सकते हैं, कर्टोसिस हो जाएगा, मीडियन हो जाएगा। नाउ यूजुअली कर्टोसिस अगर आपका 3 है, यूजुअली कर्टोसिस 3 होता है या 0 होता है फॉर आपका मेसोकर्टिक जो हमने देखा था, 0 या 3, ठीक है? एंड एक सेकेंड लिखो, अ कर्टोसिस ग्रेटर देन 3 इज लेप्टोकर्टिक, कर्टोसिस लेस देन 3 इज प्लैटिकर्टिक। मतलब कि इस केस में हम लोग का क्या है, कर्टोसिस लेस देन 3 है, तो वो कौन सा वाला पार्ट हो गया आपका, प्लैटिकर्टिक। तो ये आपका यूजली 3 होता है, दिस इज लेस देन 3 एंड दिस इज ग्रेटर देन 3। हाँ, 3 होगा, एग्जैक्ट नहीं, 3 आएगा, ठीक है? ठीक है, सो मीडियन क्या होगा, ये प्रोबेबिलिटीज है, CDF निकालो जहां पे 50th percentile आ रहे हैं, है ना? ठीक है, सो लेट्स डू इट टिल हियर, एंड नेक्स्ट क्लास हम लोग